सीकर में नवलगढ़ पुलिया के पास एक 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मामले को लेकर आज सीकर के बाजार पूरी तरह से बंद है। छात्र संगठन SFI और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश जताते हुए सीकर में प्रदर्शन किया और वे सड़कों पर निकले। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी उनके साथ थे। छात्र संगठन SFI और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में घूमकर रैली निकाली और प्रदर्शन किया। यही नहीं, समाजिक कार्यकर्ताओं ने सभापति जीवन खां के आवास पर भी जाने का प्रयास किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान सीकर के चप्पे चप्पे पर SK हॉस्पिटल में और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी मामले में जिम्मेदारी तय करने और छात्र के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। छात्र की मौत के विरोध में सीकर के बाजार पूरी तरह से बंद हैं। खड्डे में गिरने से 17 वर्षीय छात्र की मृत्यु हो गई। इस घटना पे आपका क्या कहना है? जो आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं, छात्रों के हितों की आप बात कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि एक परिवार का चिराग खत्म हो गया। वो चिराग किस वजह से खत्म हो गया? प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आज सामने विधानसभा चुनाव आ रहे हो तो किस आधार पे लोगों के पास में चुने हुए ये जनप्रतिनिधिगण जाएंगे और वोट मांगेंगे? इनका आधार क्या रहेगा? ये लोगों की जो हत्या इनकी वजह से हो रही है, किस आधार पे हो रही है? आज तो एक भाई युवराज मीणा की हत्या हुई है, कल को और लोगों की हत्या होगी। इसका समाधान कब निकलेगा? ये प्रशासन समाधान की ओर बढ़ेगा कब? लोगों की आवाज़ कब सुनेगा? आज एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की कोचिंग कर रहा था, उसके परिवार के साथ क्या बीतेगी? वो 5 बहनों का इकलौता भाई था, उन बहनों के साथ क्या आज बीत रही होगी? उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी? प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति को ये समझने की ज़रूरत है और इस न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है। यहाँ हर एक व्यक्ति को आके इस परिवार की लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए, ताकि इनकी मांग जो भी ये परिवार मांगता है, उन परिवार का आगे पालन पोषण कौन करेगा? बूढ़े माँ बाप हैं, उनके साथ क्या गुजर रही है? ये हत्या हुई है, सिर्फ एक प्रशासन जिम्मेदार है। ये मृत्यु उसकी स्टूडेंट की लापरवाही नहीं थी, ये हत्या प्रशासन की लापरवाही से हुई है। इस हत्या का जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन और राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी महज छोटी छोटी गलतियों की वजह से जनता उनसे मांग करती है, फिर भी वो नहीं मानते। अपने बड़ी ISC के ऑफिस बने हुए हैं, उनमें बैठे रहते हैं। जनता से कोई उनको मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। जनता की बातें कब धरातल पे आके सुनेंगे और कब वो समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे, ये सोचने की ज़रूरत है आज। तो अभी जब आप आए हैं तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? कुछ आपने प्लान किया है किस तरीके से आप इस आंदोलन को और बढ़ा कर सकते? युवा शक्ति साथ बैठी है। जो युवा शक्ति का आदेश होगा, जो जनादेश होगा, जो भी उनके न्याय की जिस भी तरीके की लड़ाई होगी, हम लोग तो उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए आए हैं। सब भाई लोग मिलकर लड़ेंगे। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में कई बड़े विधायकों से आपके संपर्क हैं, तो क्या आपने और भी आगे बात करी है ताकि किसी तरीके से प्रशासन तो कार्रवाई करे इसमें? देखो, इस प्रकार के धरनों के अंदर, विरोध प्रदर्शन के अंदर किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता है। जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपना आप चल के आता है और अपनी भागीदारी निभाता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो किसी को बुलाने की बताने की जरूरत ही नहीं है। सीकर जिले के अंदर यहाँ से बड़े विधायक मंत्री सब आते हैं, MP MLA सबको यहाँ आना चाहिए। इस मंच के ऊपर आके इस परिवार की मजबूती के लिए, उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए आके लड़ाई लड़नी चाहिए। श्री राम जी, आप लगातार इसमें हमको बजा देनी चाहिए। सीकर की जो आवाम है वो राष्ट्र में पूरी रात नहीं सो रही है। उन्होंने ये मान लिया कि बच्चा हमारा था और हर आदमी, चाहे वो सभापति हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो पार्षद हो, उसको इस बात को अपनी छाती पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि उनका परिवार का एक बच्चा चला गया, जो सीकर एजुकेशन हब के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें पढ़ने के लिए आया था, उसके परिवार के सपने थे और उन सपनों को तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो ये हमारा यहाँ का प्रशासन ने किया है। इसलिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मृतक जो RCP
मंत्री हैं, बाका परिवार का मान एक जना ने नौकरी दी जानी चाहिए। और जगह दोषी कर्मचारी है और चाहे वह ऊपरला है चाहे निचला ही बाका खिलाफ आज के लोग कार्रवाई चाहते हैं कि जिन भी अधिकारियों की कर्मचारियों चाहे नगर पालिका परिषद के हो चाहे जिला प्रशासन के हो या चाहे ठेकेदार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज के बाद कदे भी उनको कदे कोई मुद्दा हुए तो बनियान की सबक मिले कि भाई आबाली पीटी जगह हटे आज इतना परिवार पढ़ रहे हजारों लाखों बड़े स्टूडेंट है बागा परिवार बचाने लिखित के अंदर प्रशासन ने की 31 दिसंबर 2022 को पूरा काम कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन ये इस समय जुलाई चल रही है, 6 महीने दे दिए फिर भी वो की वो दशा हो रही है। कम से कम हमारी रोडें तो नहीं फोड़ते, खड्डे तो नहीं करते ताकि किसी भी परिस्थिति में निकल जाते, लेकिन आज हम रात से 3 दिन पहले बरसात हुई थी उससे आज तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। जब निकलते हैं हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं उनकी बसें नहीं आती हैं, वो घर पे बैठे हैं, ये दयनीय स्थिति कर रही है। और 21 जून से हमारे रामनगर के अंदर पानी नहीं आ रहा, उसकी भी पूर्ण रूप से सप्लाई बंद कर रखी है। बच्चों के साथ मां थोड़ी जा सकते हैं, वो तो इनके भरोसे छोड़ देते हैं, ये ऐसे करते हैं। आज और किसी मां का जाएगा तो उसको वो न्याय दिलाना चाहिए। नाम बता दी बेबी शर्मा। कल जो नवलगढ़ रोड पे बच्ची की मृत्यु हुई है उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत मतलब बड़ी दुख की बात है, जिसके नगर परिषद प्रशासन की वजह से पिछले 2 साल के अंदर 5 मौत हो चुकी है, जो किसी सांडू के द्वारा या गड्ढों में गिरने की वजह से जो हुई है उनके लिए नगर परिषद प्रशासन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। दूसरी बात, इनके ऊपर 304A के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो बच्चा खत्म हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है? जिला प्रशासन की तो पूरी की जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी जो बनती है वो नगर परिषद प्रशासन की है, क्योंकि ये कार्य प्रणाली जो है नगर परिषद के तहत आती है, जिला प्रशासन पूरा ही उसके लिए दोषी है। तो आप आए हुए हैं।